भारतीय किसान यूनियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं आपके साथ रोहन सोनकर। खबर गोंडा से है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव किसान बिहारी वर्मा भवन ज्योत ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी मनकापुर से कई मांग की है, जिसमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोमती यादव दौलतपुर ग्रांट के द्वारा संगठन के सम्मान टोपी व संगठन को भद्दी भद्दी गाली देने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरि वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश, और मुद्दे कुछ निजी भी हैं और सार्वजनिक मुद्दे भी हैं। जैसे एक दौलतपुर ग्रंट में जो है राम प्रकाश मौर्या जी हैं, उनके नंबर के बीचों बीच में खड़ंजा लगा दिया गया है लगभग 6-7 साल पहले, और SDM साहब से कई बार मुलाकात हुई, अवगत करवाया गया, उसके बाद वीडियो को लिखे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के प्रधान जो है गांव वालों को उकसाकर वही रास्ते के विवाद को लेकर के, और राम प्रकाश मौर्या अपना एक पट्टा पाए थे, उसमें जब भी मकान बनाने का प्रयास करते हैं दीवार गिरा दी जाती है। यशो खुड़ारे को पत्र दिया गया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को भेजा और हमारे जो है कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ से गए, और प्रतिनिधि को हमारे वहाँ के प्रधान के द्वारा जो है हमारे संगठन को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और हमारे टोपी पर पेशाब करने की बात कही। तो मुख्य मांग तो यह है कि प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाए। वो प्रधान प्रतिनिधि हैं गोमती प्रसाद यादव जी। दूसरा बिंदु है, एक यहाँ गिरीश श्रीवास्तव लेखपाल हैं, उनका प्रमोशन हो गया था, वो कानन-गो बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो गए नहीं, यहीं लेखपाली कर रहे हैं। क्या कारण है बताइए, पदोन्नति होने के बाद तो लोग अपने आप चले जाते हैं, और क्या कारण है कि वो यहीं टिके हुए हैं। उनके खिलाफ पूरे ब्लॉक में लगभग हर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार है, हर ग्राम सभा के लोग पीड़ित हैं, हर ग्राम सभा में उनकी दखलंदाजी है, हर ग्राम सभा में वो वसूली कर रहे हैं, और उसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, और जब SDM साहब आएंगे तो प्रमाण सहित उनके पास रखा जाएगा। तो ये हो गया कि उनको यहाँ से इस ब्लॉक से हटाया जाए, बाकी ये वो छपिया में कर दें या कहीं कर दें, उससे नहीं। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं धरने पे? 6 तारीख से धरना चल रहा है, आज 7वां दिन है, और SDM साहब पहले दिन ही आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम समाधान करवाएंगे। हम लोग उस दिन थे नहीं, हम लोग उस दिन नहीं थे क्योंकि हम कहीं अलग दूसरे ज़िले में गए हुए थे, लेकिन होते तो कुछ बार वार्ता होती, लेकिन हमारे पदाधिकारी और जो थे उनसे वार्ता हुई SDM साहब की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम समाधान करवाएंगे। अशोक खड़ारे भी आए थे, वो भी आश्वासन दे रहे। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।